सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और गाइज, हम लोग आ चुके हैं दोबारा से GTA 5 में हाइड एंड सीक चैलेंज लेकर। और गाइज, आज के हाइड एंड सीक चैलेंज में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और आज देखो कितने सारे कैरेक्टर यहाँ पर आए हुए हैं हाइड एंड सीक को खेलने के लिए। तो गाइज यार, आज के वीडियो को ना बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइज यार, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे तुम लोग जाकर जल्दी से छुप जाओ यार, मैं जा रहा हूँ काउंटिंग करने के लिए। तो चलो गाइज यार, मैं तो चलता हूँ काउंटिंग करने के लिए। तब तक गाइज, ये लोग यहाँ पर खड़े होकर डिसाइड कर लेंगे कि किसको कहाँ पर जाना है। अबे टिप्सन, चल साइड हट। अरे अरे रो पीरो भाई, रुक तो जा यार थोड़ी देर, हम लोगों को सोचने दे, हमको कहाँ कहाँ जा पर छुपना है। अरे टिप्सन यार, जल्दी कर ले भाई, अगर मैं काउंटिंग कर कर आ गया ना तो मैं ये नहीं सुनूंगा कि मैं भी छुपने के लिए नहीं गया था। और यार बहाने मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, तुम लोगों को पता है ना, काउंटिंग करके मैं जब आऊंगा तो मैं डायरेक्टली तुम लोगों को आकर मारूंगा। मैं ये नहीं पूछूंगा तुम लोग जाकर क्यों नहीं छुपे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे यार थोड़ी देर और यहाँ पर रुक जाता हूँ क्योंकि यार वो लोग ना अभी छुपने के लिए जा रहे होंगे। अरे यार मैं सबसे पहले जाकर छुप जाता हूँ, तुम लोगों को पता है ना, वो रोपीरो का बच्चा तो मेरे पीछे ही पड़ चुका है और वो मुझे मारना चाहता है। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आ गया हूँ इधर ही छुप जाता हूँ। और ये मुटेंड का बच्चा मेरे पीछे क्यों आ गया यार ये? अरे मिस्टर मीट, मुझे छोड़कर आ गया तू वहाँ पर, मैं तेरे पीछे पीछे ही आ रहा था और तू यहाँ पर छुपा बैठा है। साले मिस्टर मीट गंजे कहीं के देख रहे हो यार आप लोग, ये मिस्टर मीट कितना ज्यादा हरामी है। मैं तो सोच रहा था कि मैं इसके साथ रहूंगा, लेकिन ये गंजा कहीं का सबसे पहले जाकर ही छुप गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अकेला ही छुप जाऊंगा और अब मुझे कोई अच्छी सी जगह देखनी पड़ेगी अपने छुपने के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत ही बड़ा भालू की तरह दिखता हूँ, कहीं छुपूंगा तो उसे दिख जाऊंगा। ये जगह कैसी रहेगी मेरे छुपने के लिए? हाँ, यहाँ पर तो मैं दिखाई भी नहीं दूंगा उस रोपीरो के बच्चे को। अरे यार एक एक करके सबके सब चले गए यार यहाँ से, मैं बचा हूँ लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पर मैं विनर बन सकता हूँ, वरना आप लोगों को पता है ना, वो रोपीरो का बच्चा तो मुझे मार मार कर भूत बना डालेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर छुपता हूँ। अरे ये क्या, यहाँ पर तो पहले से एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे कोई अच्छी सी जगह देखनी पड़ेगी अपने छुपने के लिए। तो चलो यार, बहुत बड़ा शिप है, कहीं अच्छी सी जगह देख लेता हूँ अपने छुपने के लिए, कहीं ना कहीं तो मुझे मिल ही जाएगी। एक काम करता हूँ यार, ये रूम कैसा रहेगा मेरे लिए? अरे यार ये तो गेट ही बंद कर रखा है इन लोगों ने। कोई बात नहीं यार, हम लोग आगे ट्राई करते हैं। अरे ये मिस्ट्री टीचर कहाँ जा रही है? अरे मिलिट्री रोपीरो, हमें भी अपने साथ लेकर चलो ना, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? अरे तुम दोनों मेरे रास्ते से हटो यार, मुझे जल्दी से छुपना होगा यार। देखो ये लोग भी मेरे पीछे लग चुके हैं, अब मैं क्या ही करूँ यार, इन लोगों को अपने साथ तो लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों को पता है ना, ये लोग बहुत ही ज्यादा हरामी है। और ये जगह कैसी है? तो चलो यार गाइज, यहाँ पर ही छुप जाता हूँ, ये तो काफी मजेदार जगह मिल चुकी है मुझे छुपने के लिए। यहाँ पर तो गाइज रोपीरो मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। अरे भाई यार मिलिट्री रोपीरो यार, हमें भी अपने साथ ही छुपा ले यार, वरना हमें तो जगह भी नहीं मल रही है कोई छुपने के लिए। अरे यार सुपर हीरो, अब हमारा साथ कोई भी नहीं देगा। अब एक काम करते हैं, हम लोग जाकर खुद ही अपने लिए जगह देखते हैं। अरे देखो यार ये तो बहुत अच्छी जगह दिख रही है। अरे सुपर हीरो मुझे तो जगह मिल चुकी है छुपने के लिए, और जा तू अपने लिए अलग से जगह देख ले, मैं तो यहाँ पर छुप चुकी हूँ, अब रोपीरो ढूंढेगा हमें। अरे मिस्ट्री टीचर तुम भी बहुत ही ज्यादा हरामी निकली, मैं तो तुम्हारे साथ घूम रहा था, लेकिन गाइज मुझे पता चल चुका है, जब भी हम लोग हाइड एंड सीक और हाइड एंड किल खेलते हैं ना, तो ये लोग मेरे साथ में हरामी पना कर लेते हैं, सब अपने अपने जगह पर छुप जाते हैं जाकर, वही मैं ही बच जाता हूँ यार। मुझे भी कोई अभी बढ़िया सी जगह देखनी पड़ेगी अपने लिए, चलो यार जल्दी से ढूंढ लेता हूँ, वरना वो रोपीरो आता ही होगा। रोपीरो के बच्चे, अरे आर्टिगा आज मेरे साथ चलो, तुम्हारा रोपीरो भी गया हुआ है। अरे डेंजर सुरंग के बच्चे चला जाए यहाँ से, वरना तेरी टांग पे टांग रख के चीर दूंगी, कभी ज्यादा बन रहा हूँ अपने आप को, बुलाओ भी रोपीरो। आर्टिगा तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो, चलो एक काम करो, तुम अपनी ऐसी की तैसी करो यहाँ पर, मैं तो चला छुपने के लिए, एक तो तुझे अपने साथ लेकर जा रहा था मैं। अभी जा चला जा, वरना ये बिल्ली तेरे पिछवाड़े में दे दूंगी और धुएं निकाल दूंगी, जा रहा है। हाँ देखो यार ये कितनी ज्यादा हरामी है आर्टिगा, चलो कोई बात नहीं यार, मैं तो अपना अकेला ही जाकर अच्छे से छुप जाता हूँ, मैं तो सोच रहा था कि आर्टिगा मेरे साथ छुप जाएगी। अयो अम्मा देखो यार, देखते ही देखते सब के सब जाकर अच्छी अच्छी लोकेशन पर छुप चुके हैं,
लेकिन यार अभी देखो मैं बचा हूँ, आजा भाई टिप्सन, तू भी मेरे साथ जल्दी से आजा। अयो अम्मा कोई आए कि ना आए, लेकिन यार मेरे को तो ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो नीचे जाकर ना सबके सब लोग चुप चुके हैं। देखो यार ये जगह मेरे को ठीक दिखाई दे रही है। अयो अम्मा देखो यार मैं तो इधर ही छुप जाता हूँ, इधर से मैं रोपिरो को दिखाई भी नहीं दूंगा। यार ये तो मेरे लिए बढ़िया जगह दिखाई दे रही है, चलो यार इधर ही छुप जाता हूँ मैं। अरे अरे गाइस यार सबके सब जाकर छुप चुके हैं, लेकिन यार अभी मैं ही बचा हूँ सिर्फ, और वो अर्टिगा भी। लेकिन यार अब मैं कहाँ पर जाकर छुपूँ, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। वो देखो यार वो म्यूटेंट का बच्चा तो ऊपर खड़ा है। अरे अरे म्यूटेंट तू तो पूरा दिख रहा है इधर से, लेकिन गाइस वो सोच रहा होगा कि उसको कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि गाइस को सब देख रहे हैं। और देखो ये मिस्टर टीचर भी यहाँ पर छुपी बैठी है। अरे अरे गाइस ये क्या हो गया, मैं तो इतनी स्पीड में भाग कर आ रहा था और यार मैं नीचे गिर गया। चलो गाइस कोई बात नहीं, अभी मुझे अपने लिए बढ़िया सी जगह देखनी होगी। अरे गाइस यार इतना बड़ा पियानो रखा हुआ है, इसके नीचे ही छुप जाऊँ क्या? नहीं नहीं यार वो रोपीरो तो यहाँ पर मुझे देख ही लेगा। चलो एक काम करता हूँ गाइस, मैं जंपिंग जपा करके नीचे जा रहा हूँ। अरे अरे गाइस यार मुझे कोई अच्छी सी जगह बताओ यार छुपने के लिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतने बड़े स्पेसशिप के अंदर कहाँ पर जाकर छुपूँ। अरे ये क्या भाई, यहाँ पर तो बहुत सारी मशीनें लगी हुई है। अरे यार गाइस कहाँ पर जाकर छुपूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यार मैं ऐसी जगह पर छुपूंगा। अरे गाइस ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है, इस गेट के पीछे ही छुप जाता हूँ। अरे मेरे रोपीरो के बिना तो मन भी नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे फिर भी रोपीरो के बिना जाकर छुपना ही पड़ेगा, वरना रोपीरो पहले मुझे ढूंढ कर ही मार डालेगा, क्योंकि मुझे पता है रोपीरो बहुत ही ज्यादा हरामी है। रोपीरो का बच्चा तो किसी की सुनता भी नहीं है, अगर उसने मुझे देख लिया तो वो तो बहुत मारेगा। एक काम करती हूँ इधर ही छुप जाती हूँ, उसे पता भी नहीं चलेगा मेरे बारे में। ऑल राइट गाइस, तो सबकी काउंटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और देखो यार पीछे अभी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे लगता है सबके सब जाकर छुप चुके हैं। तो गाइस चलो अभी हमारी ढूंढने की बारी आ चुकी है, लेकिन उससे पहले डंडा तो निकाल लेता हूँ, क्योंकि गाइस आज इन लोगों की डंडे से बैंड बजाने वाला हूँ मैं। जो भी मुझे मिलेगा ना गाइस उसकी तो आज फुटबॉल ही बना डालूंगा, चाहे वो कोई भी हो, अर्टिगा हो या फिर गाइस मेरा दोस्त इप्सन। जो भी मेरे हाथ पल्ले लगेगा ना गाइस उसकी तो बैंड बजा दूंगा। अरे गाइस यहाँ पर कौन? अरे ये तो डेंजर विलन है गाइस, ये ले डेंजर विलन के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गाइस फाइनली यार मैंने डेंजर विलन को तो मार लिया है ढूंढकर, बट गाइस अभी तो बहुत सारे कैरेक्टर बाकी है, सबको ढूंढना पड़ेगा मुझे यार। अभी म्यूटेंट और यार देखो काफी सारे लोग, आप लोगों को पता है, अभी सबको ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। तो गाइस यार अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब तक गाइस हम लोग आराम आराम से करके सबको ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। गाइस यार इतना बड़ा स्पेसशिप है कि इसके अंदर ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलो यार ऊपर जाकर देखता हूँ, कोई ना कोई तो यहाँ पर भी छुपा बैठा होगा। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट, यहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है भाई मुझे। ओ भाई देखो मिलिट्री रोपीरो यहाँ पर छुपा बैठा है, तेरी तो ऐसी की तैसी। गाइस से अभी बताता हूँ, तेरी भैंस की टांग, अरे बच गया ये ले। अरे अभी बच गया तेरी भैंस की टांग, अब तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा, इसे तो गाइस अच्छे से पेल देता हूँ मैं। तो गाइस देखो अभी जो है ना इसकी तो बैंड बजा दूंगा बढ़िया करके, अच्छा मुझे मारेगा, ये ले तेरी भैंस की टांग। गाइस देखो यार इसकी तो मैंने अच्छे से चटनी बना दी है। अब चलो गाइस आगे की ओर चलते हैं, और भी तो बहुत सारे लोगों को ढूंढना है। अरे देखो गाइस वो ऊपर कौन खड़ा हुआ है, ये तो म्यूटेंट का बच्चा है, इसकी तो ऐसी की तैसी। गाइस देखो ये सोच रहा होगा कि इसको कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन इसको ये नहीं पता गाइस यार मैंने इसको देख लिया है, बट गाइस इसको अभी नहीं मारेंगे। अरे ये कौन खड़ा है गेट के पास, तेरी भैंस की टांग। गाइस ये तो सुपर हीरो है, ये ले। गाइस यार देखो ये तो दो डंडे में ही गिर गया, अरे यार इसको तो अब मारने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि गाइस ये तो दो डंडे में ही ढेर हो चुका है। चलो चलो गाइस अब और आगे ढूंढते हैं। गाइस एक मिनट, मैं ऊपर तो नहीं गया यार अभी तक, अब जल्दी से ऊपर चलता हूँ और ऊपर जाकर देखता हूँ। अरे यार यहाँ पर कोई छुपा हुआ है, ओ भाई साहब गाइस ये तो देखो यहाँ पर अय्यर छुपा हुआ है। अयो अम्मा देखो यार आज का विनर तो मैं बन ही जाऊंगा, रोपीरो को तो पता ही नहीं होगा कि मैं इधर छुपा हुआ हूँ। अरे ये ले अय्यर तेरी ऐसी की तैसी। गाइस ये सोच रहा था, इसको पता ही नहीं चल रहा है कि गाइस रोपीरो उसके बराबर में खड़ा हुआ है। गाइस अभी जो है ना इसको मार दिया। ओ भाई यहाँ पर तो गाइस मिस्टर टीचर बैठी है, इसको भी लग रहा होगा कि मैं इसको नहीं ढूंढूंगा, ये ले बुड्ढी कहीं की, आज तो गाइस इससे सारा बदला ले लूंगा मैं। 1 2 3 गाइस इसको तो बहुत ही मारूंगा, 4 5 और ये ले तेरी 6 और देख 7 गाइस देखो भी इसको मारते ही रहूंगा, तेरी ऐसी की तैसी, तूने मुझे बहुत परेशान करा है ना, आज सारा बदला ले लूंगा। गाइस देखो यार पूरे मैंने इसके ऊपर 12 डंडे मार दिए, 13 14 और गाइस देखो यार मैं सोच रहा हूँ
गाइस पूरे 15 डंडे कंप्लीट कर दूं, लेकिन गाइस इतना मारना भी ठीक नहीं होता है, कभी ना कभी तो गाइस वो हमसे बदला ले ही लेगी स्कूल में। तो यार एक काम करता हूँ, मिस्ट्री टीचर को छोड़ो, अभी हम लोग गाइस और लोगों को ढूंढते हैं जाकर। अरे यार अभी तक तो यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया मुझे। एक काम करता हूँ गाइस, ऊपर चलता हूँ और यहाँ पर चेक करता हूँ। एक मिनट, यहाँ पर तो कोई नहीं है ना गाइस। देखो यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ऊपर तो गाइस सिर्फ म्यूटेंट था और उसको तो मैंने मार दिया, मतलब कि गाइस अय्यर था। अभी जो है ना गाइस, हम लोगों को म्यूटेंट और मिस्टर मेट को ढूंढना है। अभी तक गाइस हम लोगों ने ना मिस्टर मेट को नहीं ढूंढा है, वो गंजा पदोड़ा पता नहीं कहाँ पर छुप कर बैठा होगा। तो गाइस चलो अब उन दोनों का ही नंबर आने वाला है, लेकिन यार इतने बड़े शिप के अंदर मैं कहाँ पर ढूंढूंगा उसको। बट यार आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ कर निकाल ही लेंगे। गंजे को तो गाइस मैं छोड़ूंगा नहीं, इस डंडे से ना गाइस उसका गंजा फोड़ दूंगा। तो गाइस यार अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो यार। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखकर चले जाते हो, लेकिन यार वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो गाइस जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब करो यार, तभी तो आप लोगों के लिए ऐसी मजेदार वीडियो मैं लाता रहूंगा। अरे यार यहाँ पर तो शायद मैं भी आया था। हाँ गाइस देखो यहाँ पर हमने मिलिट्री वाले रोपीरो को मारा था। बट गाइस मैं एक काम करता हूँ, नीचे चलते हैं देखने के लिए। नीचे तो गाइस मैं अभी तक गया ही नहीं हूँ यहाँ पर। तो चलो गाइस यहाँ पर चेक करता हूँ। यहाँ पर गाइस वो दोनों के दोनों मुझे लगता है छुपे हुए होंगे, लेकिन यार अभी तक मैंने उन लोगों को ढूंढा नहीं है। और हाँ गाइस अभी तो टिप्सन भी बाकी है यार। देखो अभी ये तीन कैरेक्टर बाकी है पूरे के पूरे, इनको तो गाइस कहीं ना कहीं से मैं ढूंढ कर निकालूंगा। गायन तो कहाँ होंगे गाइस, होंगे तो इस शिप के अंदर ही ना। देखो यार अभी है ना मेरे को ये लोग नजर तो नहीं आए, लेकिन जैसे ये मुझे, ओ भाई ये रहा मिस्टर मीट गंजा पदोड़ा कहीं का, इसकी तो ऐसी की तैसी, ये ले गंजे तो टकले पे खा डंडा। तो गाइस मिस्टर मीट पदोड़े को तो मैंने मार डाला है, अब बचा है गाइस यहाँ पर म्यूटेंट और सुपर हीरो, मतलब कि गाइस हमारा दोस्त टिप्सन। अरे हाँ हाँ गाइस अभी टिप्सन बचा हुआ है गाइस, टिप्सन को भी तो ढूंढना है ना, जल्दी से चलते हैं गाइस टिप्सन को भी ढूंढते हैं। और यार देखो उसकी तो मैं बहुत ही अच्छे से बैंड बजाऊंगा। अरे गाइस ये क्या, देखो मैं डंडे मार रहा हूँ बट गाइस अभी कोई भी निकल कर नहीं आ रहा इधर से। कोई बात नहीं गाइस, हम लोग यार ढूंढ कर निकाल ही लेंगे, क्योंकि गाइस अभी जो है ना हम लोगों ने लगभग सबको तो ढूंढ कर निकाल ही दिया है। बट गाइस अभी जो है ना यहाँ पर म्यूटेंट और गाइस टिप्सन, अरे म्यूटेंट तो गाइस ये रहा तेरी भैंस की टांग, जले हुए आलू तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये रे डंडा तू सर पर। हाँ तो गाइस यार इसके टकले पे दो डंडे रखे मैंने, और यार ये इतना बड़ा आलू तो ढेर हो चुका है। अब गाइस टिप्सन बचा हुआ है, अरे गाइस पता नहीं वो टिप्सन का बच्चा कहाँ पर होगा, उसे भी गाइस मैं ढूंढ कर बहुत ही बुरा मारने वाला हूँ। तो गाइस अभी पता नहीं चल रहा है मुझे वो टिप्सन, अरे अर्टिका तेरी भैंस की टांग गाइस ये भी गई। अरे गाइस यार अर्टिका को तो मैं भूल ही गया था, लेकिन यार ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये गाइस मुझे धोखा देती है बहुत बार, इसके तो पिछवाड़े पे ही मारूंगा। ये ले तेरी तो ऐसी की तैसी, गाइस के तो पिछवाड़े का कीमा बना डालूंगा। अर्टिका की बच्ची तू बहुत ही ज्यादा हरामी है, इसलिए तेरे तो पिछवाड़े का मैं कीमा बना डालूंगा और तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। गाइस देखो अर्टिका का तो भाई साहब मैंने बहुत ही उतार दिया है। तो गाइस यार अब लास्ट में बचा है गाइस हमारा दोस्त टिप्सन, लेकिन गाइस आप लोगों को पता है ना टिप्सन मेरा दोस्त है, और गाइस उसके पास में ना इतना खतरनाक वाला दिमाग है कि गाइस अभी तक वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं यार गाइस कौन से कोने में जाकर छुपा होगा जो अभी तक मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन यार उसको मैं पाताल में से भी ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि गाइस ये इतना बड़ा शिप है इसमें से गाइस वो बाहर तो जा ही नहीं सकता है। होगा तो भाई, ओह भाई ये क्या गाइस, मैं तो पानी के नीचे ही आ गया हूँ। चलो यार गाइस अभी मुझे दोबारा से इस शिप के अंदर जाना पड़ेगा, चलते हैं जल्दी से ऊपर। अरे एक मिनट गाइस, यहाँ पर ना गाइस मैं पूरा भीग चुका हूँ, लेकिन यार कोई बात नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो गाइस हम लोग गीले कपड़े में भी हाइड एंड सीक खेल सकते हैं। यार देखो अभी मैं यहाँ पर छुप छुप कर जा रहा हूँ, क्योंकि गाइस मुझे पता है टिप्सन मुझे देखकर भाग भी सकता है, क्योंकि गाइस वो बहुत ही ज्यादा तेज है टिप्सन। अरे यार यहाँ पर तो और भी ज्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि गाइस इसका जो शिप का इंजन है ना वो पूरा का पूरा यहाँ पर ही है, और यहाँ के सारे पाइप बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहे हैं, और यहाँ से ना गाइस हीट निकल रही है। ओह भाई टिप्सन तो मेरे सामने ही है, ये तेरी ऐसी की तैसी। अरे गाइस टिप्सन तो एक डंडे में ढेर हो गया, लेकिन गाइस दो डंडे तो मारने बनते ही है, क्योंकि गाइस ने ना जो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मेहनत कराई है ढूंढने में। तो यार इसको भी हमने ढूंढ निकाला है, और यार अभी जो है ना हमने सबको ढूंढ निकाल के सबको ही दे देकर मारा है। तो गाइस यार अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन डायन बनेगा। और गाइस मुझे तो लग रहा है हम लोगों ने ना गाइस फर्स्ट में मिलिट्री रोपीरो को ढूंढा था, तो गाइस अब उसका ही डायन बनेगा नेक्स्ट वीडियो में। अरे ये क्या गाइस, मैं तो पानी के अंदर दोबारा से गिर गया, बट गाइस पानी के अंदर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है गर्मी में। तो गाइस यार आई होप ये गेम प्ले वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मिलते हैं इसके एक और नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।